एक तरफ तो अतिक्रमण को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, कई जगहों पर एक्शन होना अब भी बाकी है। सरकार के इस कदम की तारीफ की जा रही है तो सवाल भी किए जा रहे हैं। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों को मालिकाना हक देने का फैसला किया है। सरकार ने कहा कि मलिन बस्तियों में लोग अभी जिस जमीन पर रह रहे हैं उसे उनका मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके तहत आवास और शहरी विकास सचिव शैलेश बगोली ने जिलाधिकारियों, नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि सर्वे कर एक महीने के अंदर रिपोर्ट दी जाए। उन्होंने कहा कि चिन्हित मलिन बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं दी जाएं, उसके लिए प्लान तैयार किया जाए। सचिव बगोली ने कहा कि नगर निकायों के अंतर्गत आने वाली बस्तियों के लोगों को भूमि अधिकार उनके सीमांकन पंजीकरण के लिए 2016 की नियमावली के प्रावधानों के तहत गठित समिति के माध्यम से 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। सचिव ने तीनों श्रेणियों के तहत मलिन बस्तियों का वर्गीकरण करते हुए एक महीने के अंदर सभी डीएम और निकाय अधिकारियों से रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दे दिए हैं। प्रतिपक्ष संवाद ब्यूरो।